गुड मॉर्निंग गाइज, 22 जून 2020 के द हिंदू को हम लोग एनालिसिस करेंगे। उससे पहले 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? तो बेसिकली ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश करी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है और ये इकोनॉमीज के बीच, इकोनॉमी चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो चाहे वर्ल्ड की इकोनॉमीज, उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस की बढ़ोतरी के लिए काम करता रहता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहली बार जाने वाले कोई प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के, जो इसकी सम्मिट में हिस्सा लिया। और जनवरी में मोस्टली इसकी सम्मिट होती है। आप लोगों नीचे कमेंट करना है कि IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी मेजर रिपोर्ट पब्लिश करता है। आप चाहे गूगल करिए, चाहे आपको पता हो, लेकिन आंसर हो जाना चाहिए। इसके कमेंट करिए मैक्सिमम, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की मेजर पब्लिकेशन कौन कौन सी है, रिपोर्ट कौन कौन सी है। उसके बाद बात करेंगे आज के द हिंदू की, और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है, आर्म्ड फोर्सेस गिवन फ्री हैंड टू रिस्पोंड टू सिचुएशन एट LAC। कल डिफेंस मिनिस्टर साहब की चीफ ऑफ डिफेंस यानी जो तीनों सेनाओं के चीफ हैं उनके साथ और थ्री सर्विसेज के चीफ उनके साथ मीटिंग हुई। उनके बाद उन्होंने डिसीजन लिया है कि LAC पर जो भी सिचुएशन हो उसके लिए प्रॉपरली आर्म्ड फोर्सेस तैयार है। रिव्यू किया गया, उन्होंने बताया कि अगर जो है हमारी पहली कोशिश क्या है कि पीस को एस्टेब्लिशमेंट करना, शांति स्थापित करना, बट अगर सिचुएशन ऐसी आए तो बिना झिझक के फोर्सेस कोई डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंट होगी कि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले काउंटर करने के लिए किसी भी ऐसी वो सिचुएशन या चैलेंजिंग सिचुएशन को। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं 75th एनिवर्सरी है रशिया के अंदर, वहाँ पर जाएंगे। 75th किसकी, वर्ल्ड वार की एक एनिवर्सरी है और वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पर न केवल भारत के रक्षा मंत्री बल्कि चाइना के रक्षा मंत्री भी जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है कि पहले हमारे जो एग्रीमेंट हैं, चाहे वो 1993 का हो, 1996 का हो, 2005 का हो, उनको चेंज करने के बारे में बात हो रही है, उनको रूल्स को रिवाइज करने के बारे में बात हो। इन एग्रीमेंट का जो बेसिक पर्पस था कि दोनों पक्षों के बीच में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो डिस्प्यूटेड है उसको पीसफुली रिसोल्व करेंगे और आर्म्स यानी जब बातचीत होगी तब वेपन नहीं कैरी करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे उन चीज़ों को रिवाइज किया जा रहा है। एक क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट पर लगा था कि फोर्सेज जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए तो उनके पास वेपन क्यों नहीं था, तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि एक ये ट्रीटी एक एग्रीमेंट के तहत ये था कि जब हम बातचीत पर टेबल पर बैठेंगे तब तो वेपन कैरी नहीं करते हैं, लेकिन अब उसको रिवाइज किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जो डिप्लॉयड है उनको बढ़ा दिया वहाँ पर, उसमें सुखोई 30 MKI, MiG-29 UPG और लेटेस्ट जो हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है अपाचे, उनको लॉन्च किया है वहाँ पे। चिनुक को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है ले रीजन में, ताकि किसी भी काउंटर ऑपरेशंस को अटैक किया जा सके। इसके अलावा नेवी भी प्रॉपरली तैयार की जा रही है, या इंडियन ओशन रीजन के अंदर आर्मी के अंदर भी स्पेशल मूवमेंट की गई है। जहाँ जहाँ से भी मूवमेंट, जहाँ से स्पेशल फोर्सेज तैनात की गई है उनको LAC के पास में तैनात किया जा रहा है, ताकि किसी भी काउंटर अटैक या काउंटर कोशिश को रोका जा सके। ठीक है, तो सभी फोर्सेज को अलर्ट किया गया है और गवर्नमेंट एक्टिवली काम कर रही है इसमें। नेक्स्ट हमने देखा कल 21 जून को एक सोलर एक्लिप्स हुआ, यानी सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है, जब ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जब चंद्रमा जो होता है, मून होता है, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। ठीक है, इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और 21 जून आप जानते होंगे विश्व दुनिया का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट और एक ऑब्जर्वेशन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन्होंने बताया सीक्रेसी ऑफ बैलेट, जो बैलेट पोल होते हैं उसकी सीक्रेसी, वो जो है वो की टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उन्होंने बताया कि ये एक इम्पोर्टेंट है किसके लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। अब ये
जजमेंट किस बेसिस पे है। यूपी के अंदर ग्राम पंचायत का एक नो कॉन्फिडेंस मोशन था, ठीक है, उसके अंदर जो वोटर्स थे उन्होंने अपने ये बता दिया थी कि मैं किसको वोट कर रहा हूँ, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे सीक्रेसी ऑफ बैलेट फेयर इलेक्शन का एक रूल है, ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसी तरीके से एक वोटर को भी ये वॉलंटरली राइट है और प्रिविलेजेज है कि वो डिस्क्लोज नॉन डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है, या उसको वो दिखा सकता है या उनको ख़त्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वोटर ये चाहे कि वो बताना चाहे कि उसको ने किसको वोट करा है, तब आप उसको रोक नहीं सकते और उसको जो है वो आप इलीगल या इनवैलिड नहीं करार दे सकते। तो ये एक अलग तरीके का जजमेंट है, अलग इम्पोर्टेंट है, खासकर रूरल पंचायत में इस तरह की चीज़ें अगर हुई है तो उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश, और साइंटिफिकली उन्होंने एक रीज़न बताया इसके पीछे, एक एक्ट का डिस्कशन किया, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के बारे में उन्होंने बात करी, उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 94 के बारे में बात करी कि इसके अंदर जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंशली तो मैटर करती है, बट ये किसी पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो अगर वोटिंग वोट किसको दिया वो दिखाना चाहे तो वो दिखा सकता है, उसकी उसको रोका नहीं जा सकता और ये अगेंस्ट नहीं है रूल्स के। अब हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की। एडिशनल फंड सॉर्ट फॉर जल जीवन मिशन, यानी हमें जल जीवन मिशन जो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल शक्ति मिनिस्ट्री का, वो ये चाह रही है कि एडिशनल फंड जो है वो इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, किसके लिए, जल जीवन मिशन के लिए। जल जीवन मिशन बेसिकली है क्या, ये 2024 तक हर घर में, खासकर रूरल हाउस होल्ड के अंदर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी पाइप के द्वारा ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाया जाए, ऐसा इसका एक पर्पस है और ये बड़ा इसका टारगेट है। हालांकि अभी तक केवल 18% हाउस होल्ड जो है वो इस कवर किए गए हैं या अभी उसमें कवर है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ये चाहती है कि जल जीवन मिशन के लिए 82,000 करोड़ फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि मिनिस्ट्री का ये कहना है कि एक तो मिनिस्ट्री चाहती कि वो कंट्रोल करना चाहती फ्लो, किसके फ्लो को, पंचायत को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है पैसा वाटर एंड सैनिटेशन के लिए, उसको वो मॉनिटर करना चाहती या उसका जो फ्लो है या वो पैसा ट्रांसफ़र होता है उसको कंट्रोल करना चाहती और उसके थ्रू जो वो पैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, प्रेजेंटेशन जो हमने देखी 45% शॉर्टफॉल इन फाइनेंसिंग द JJM बाय बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स इन इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ 2019-20, 2019-20 के दौरान ये बोला गया कि सेंट्रल स्टेट के जो फंडिंग होती है वो कम हुई है JJM को, और सेंटर का जो शेयर था वो 20,798 है। हालांकि अब जो चीज़ें क्या है, बेसिकली काम तो इसका जल शक्ति मिनिस्ट्री या जल जीवन मिशन का सैनिटरी या प्रॉपरली वाटर सप्लाई को रूरल हाउस होल्ड के अंदर प्रोवाइड कराना है, लेकिन इससे एक इशू पैदा हो गया है कि जो कंट्रोल होगा या पंचायत को फाइनेंस का कंट्रोल जो दिया जाएगा वो अब इसके तहत ये चाहते हैं कि इसके थ्रू हो। तो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन जो मेंबर थे और एक ग्रुप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के, ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी या जल जीवन मिशन के तहत जो पंचायत तो उसको जल शक्ति मिनिस्ट्री की परमिशन चाहिएगी फंड यूज करने के लिए, तो और ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इससे क्या है कि गवर्नमेंट ये सोचाएगी कि सेंट्रलाइज हो जाए। हम जो पंचायती राज लेकर आए थे उसका पर्पज क्या था कि डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकरण करना था, लेकिन अगर उनकी ग्राम पंचायत के पास फंडिंग के रिसोर्स वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन अब अगर ये और रिस्ट्रिक्शन लग जाता है तो ये डिसेंट्रलाइज या का जो फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट था उसकी बजाय सेंट्रलाइज की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों पर बहुत रिव्यू करने की ज़रूरत है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें भी है। काम कीजिए बट काम का तरीका जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग वर्ल्ड वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर बात की गई एज स्पेन रीओपन्स बॉर्डर लेटिन अमेरिकन काउंट क्रॉसेस 2 मिलियन, कई सारी कंट्रीज का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, तो एक एक करके हम उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करी गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स में
जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के कई सारे मेंबर जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी सारी रैली इवेंट करी इलेक्शंस के लिए, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि स्पेन ने फ्रांस के साथ जो बॉर्डर टच करता था उसको रीओपन कर दिया है। हम लोग मैप में भी देखेंगे स्पेन, फ्रांस और जो जो यहाँ पर कंट्रियाँ डिस्कशन होंगी। इसके अलावा यूरोप के अंदर जो है वो टफेस्ट लॉकडाउन देखा और बहुत सारी जो व्हीकल्स है उनका रुक गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है मूवमेंट शुरू की जा रही है। कल हमने देखा कि वहाँ पर इटली के अंदर फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। यूरोप के अंदर फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा कि जब आप बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तो आप डेफिनेट सी बात है बहुत ज़्यादा लोग भी पॉजिटिव यहाँ पर पाएंगे। यूएस सबसे हार्डेस्ट हिट रहा है कोरोना वायरस का, लगभग 1,20,000 डेथ हो चुकी है और लगभग 22,00,000 केस यूएस के अंदर है। ब्राज़ील जो सेकंड नंबर पर है, ब्राज़ील एक लेटिन अमेरिकन कंट्री है और वर्स्ट हिट कंट्री है आफ्टर यूएस, लगभग 1,000,000 केस यहां पर है और 50,000 के आसपास डेथ यहां पर हो गई है। दुर्भाग्य से ब्राज़ील के प्रेसिडेंट खुद एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करते हैं जब ये अपने पीक पर जा रहा था, तो यहाँ पर जो ब्राज़ील गवर्नमेंट द्वारा जो डिसीजन लिए गए वो वर्स्ट साबित हो रहे हैं गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए खासकर। ठीक है, वायरस से अब तक लगभग 4,60,000 लगभग 4,50,000 प्लस लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 9,000,000 पीपल जो है वो इससे इफेक्ट हुए हैं। केवल और केवल यूरोप के अंदर 2.5 मिलियन जो है केसेस हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन या हमने देखा यूरोप में बहुत सारी कंट्री जो है वो धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स को खोल रही है। स्पेन की बात हो, स्पेन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ का ये कहना कि अगर हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे, अगर हम अपने बॉर्डर्स को ओपन नहीं करेंगे तो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री जो ख़त्म हो जाएगी और विदाउट टूरिज़्म इंडस्ट्री हम लोग खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा कठिन समय है ये इकोनॉमी प्लस अपने कोविड 19 को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा फ्रांस, इटली के प्रेसिडेंट और फ्रांस के उन्होंने ये कहा है कि ऑफिशियल्स ने कि हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे हाइजीन को और प्रोटेक्शन मेजर को। ठीक है, यानी हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि डेंजर है बट हमें अब धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, एकमात्र यही ऑप्शन है। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के बारे में बात की गई, अजरबैजान जो है वहाँ पर भी लॉकडाउन फिर से लागू करने की बात हो रही है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। अफ्रीका के अंदर मोरक्को के अंदर केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी वो भी फील हो रही है। चाइना के अंदर कंटिन्यू केसेज हो रहे हैं, टेस्टिंग वो लोग बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो केसेज जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, वेस्ट बैंक का डिस्कशन किया गया, ये एक फ़िलहाल इसराइल के अंडर है और ये बोलते हैं कि ऑक्यूपाइड है। वेस्ट बैंक वेस्ट में नहीं है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना आप। मैप में हम जो लोकेशन यहाँ पर डिस्कशन की गई जितनी भी कंट्री उनको हम लोग देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले बात करेगी स्पेन की। ठीक है, स्पेन जो है वेस्टर्न यूरोप का एक हिस्सा है और आप देखेंगे इसमें पुर्तगाल और राइट साइड से जो है फ्रांस इसको टच करता है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें आप देखेंगे इसके ऊपर, स्पेन के जस्ट ऊपर आप देखेंगे बे ऑफ बिस्के काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नीचे मेडिटेरियन सी। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे बाइलरिक सी। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बेसिकली है सी रूट, सी रूट इन द सेंस जो शिप्स यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, आप देखो इन्होंने अच्छे से मैपिंग करी है। इसके अलावा अगर हम देखें मोरक्को का डिस्कशन हमने देखा, मोरक्को वेस्टर्न अफ्रीकन एक कंट्री है जो सहारा रीजन के अंदर पड़ेगी। ठीक है, एटलस माउंटेन यहाँ बहुत फेमस है, हमने यूपीएससी में भी पूछा देखा था कि एटलस माउंटेन की ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछी थी, तो ध्यान रखना। और जिब्राल्टर, ये दोनों को जॉइंट दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को जोड़ती है। दूसरी कंट्री जो हमने यहाँ पर डिस्कशन करी वो थी अजरबैजान, उस पर चलते हैं। अजरबैजान ये कंट्री है और इसकी कैपिटल बाकू है। ठीक है, नॉन अलाइन मोमेंट की यहाँ पर मीटिंग हुई थी, काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कैस्पियन सी को ये टच करती है, कैस्पियन सी को 5 कंट्री टच करती है, ईरान, अजरबैजान,
तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया, पांच कंट्री इसको जो है टच करती है, वो ध्यान रखना। और फिलिस्तान जो कंट्री यहाँ पर डिस्कशन किया गया, वो इसराइल और फिलिस्तान में एग्जैक्टली बाउंड्री फ़िलहाल दिखाई ही नहीं देगी आपको, कुछ रीजन पे माना जाता है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, आप देखिए गाजा स्ट्रिप हो सकती है, वेस्टर्न बैंक ये जो न्यूज़ में रहा है, ठीक है, तेल अवीव ये इसराइल का अंडर है, और गोलन हाइट्स भी यूज़ होता है जो जॉर्डन और उसके बॉर्डर पर पड़ेगा बिल्कुल। इसके अलावा डेड सी यहाँ पर दिखाया गया है, तो इन लोकेशंस को, इन ज्योग्राफी को भी हम लोगों को कवर करना चाहिए। नेपाल के अंदर मधेशी जो कि प्लेन रीजन में रहते हैं, यानी जो नीचे वाले रीजन में रहते हैं, खासकर जो इंडिया से बॉर्डर लगता है, एक और सिचुएशन पैदा होगी, फिर से वही चीज़ें कि सिटीजनशिप का राइट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इस तरह का बिल या अमेंडमेंट वहाँ पर फिर से करने की कोशिश की जा रही है, और यही एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। मधेशी जो कि बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग रह रहे हैं, कई सालों से, कई सेंचुरी से वहाँ रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, तो फिर से वही इनस्टेबिलिटी या कह सकते हैं कि इंटरनल मोमेंट जो होते हैं कंट्री के अंदर ही विद्रोह पैदा हो जाएंगे। और हमने देखा कि पहले भी ख़राब सिचुएशन पैदा हो गई थी भारत और चीन, नेपाल के, सॉरी भारत और नेपाल के संबंध भी इससे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सही डिसीजन ले, ऐसा डिसीजन ना ले जिससे कंट्री के इंटरनल मैटर पे तो फ़र्क पड़े ही बल्कि भारत के साथ संबंध भी डैमेज हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया गया है। गौतम ये फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू चाइना थे, ठीक है, गौतम साहब, इन्होंने बताया कि जून 15 को जो क्लैशेज हुए ये 1967 के बाद वर्स्ट हिट थे, और हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिली इंडिया एंड चाइना के रिलेशनशिप में। जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करते थे, इन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी, क्योंकि हमारे बीच 1993 का एग्रीमेंट है, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनका बेसिक काम क्या है कि चीज़ों को रिसोल्व करना, पीसफुली चीज़ों को सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। इसके अलावा अगर सारे एग्रीमेंट जो हैं फेल भी हो जाएं, तब आप क्या इसमें सजेशन करेंगे या क्या उसमें आगे कदम हो सकते हैं। एलएसी जो है दोनों कंट्री मानती है, डिफरेंसेस है दोनों कंट्रीज का, डिफरेंस है कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आखिर है क्या। उन्होंने इस चीज़ के बीच में दोनों कंट्री का एक एग्रीमेंट भी है कि डिफरेंसेस जो अलग अलग हैं, हमारा इसमें डिस्प्यूट है, बट हम लोगों को पीस एस्टेब्लिशमेंट करनी है दोनों तरफ, ठीक है। इसके बाद जब इनसे पूछा गया कि इंडिया के पास ऑप्शंस क्या क्या है, तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले हमें ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस चीज़ को समझना पड़ेगा, इसके अलावा डिस्कशन ही एक सोल्यूशन है, क्योंकि देखो हमें अपने बॉर्डर को सिक्योर तो करना है बट डिस्कशन भी कंटिन्यू करना है, डिस्कशन को हम लोगों को रोकना नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर हमने देखा चाइना जो एक तरफा डिसीजन ले रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को अपनी तरफ कर पाए, बट ऐसा नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट क्या है कि एक नया रीअसेसमेंट करे अपनी चाइना पॉलिसी को लेकर, डिफरेंसेस के बारे में बात करें कि 1988 के जो मॉडल है वो इससे डिफरेंट कैसे है, बिजनेस के बारे में बात करी, इन्होंने कहा कि नॉर्मल बिजनेस जो है उस वो चलता रहे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो पर्सनली ये चाहता हूँ कि 5G ट्रायल्स जो हैं और हुवाई कंपनी अभी जो न्यूज़ में रही थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये एलिगेशन लगाया था कि स्पेन एंड ग्रीस के अंदर हवाई कंपनी जो 5G के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है, वो सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर सकती है, तो ये भी ऐसा ही कह रहे हैं कि नॉर्मल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट चलता रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को 5G के लिए इस कंपनी को, चाइनीज़ कंपनी को टेंडर नहीं देना चाहिए, चाइना को चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चाइना जो है वो काफ़ी अपने आप को फील करता है कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया तो हमारे सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 370 के बारे में बात करी कि बहुत सारे चाइनीज़ ये सोचते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा देना वहाँ पर एक थ्रीट पैदा हो गया चाइना को, तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये अच्छा भी है, क्योंकि चाइना को अगर इस तरह की चीज़ें लगती है तो मुझे नहीं लगता कि भारत ने कुछ भी गलत किया है, और
फिलहाल हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि अपनी बॉर्डर को तो सिक्योर करना है, अपनी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को सिक्योर करना है, बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बातचीत होती रहे, यानी सिचुएशन वॉश ना हो जाए। यहाँ पर गोल्डन लंगूर जो है काफ़ी फेमस है और न्यूज़ में अभी आया, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गोल्डन लंगूर जो है एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है, जो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसके तहत ही एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, आप लोगों नीचे कमेंट करना कि IUCN जो डाटा रिलीज करते हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी ऐसी लिस्ट होती है, लाइक एंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, ये कितने टाइप्स की होती है, वो आप नीचे कमेंट करेंगे। गोल्डन लंगूर जो है वो असम और भूटान में दोनों जगह ये पाया जाता है, भूटान और असम दोनों में। ठीक है, तो ये कई बार एक क्वेश्चन होता है कि क्या गोल्डन लंगूर PT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या गोल्डन लंगूर केवल इंडिया में पाया जाता है, तो उसका आंसर है नहीं। ठीक है, ये असम और भूटान दोनों जगह पाया जाता है। अभी न्यूज़ में क्यों है ये, उसको बताया गया कि गोल्डन लंगूर के अंदर या जो खासकर फीमेल गोल्डन लंगूर है वहाँ पर अबॉर्शन और इन्फेंटिसाइड यानी उनके बच्चे की डेथ पेट के अंदर ही देखने को मिली। इसके पीछे रीजन क्या है कि गोल्डन लंगूर देखो मोस्टली पेड़ पर रहते हैं और वो पेड़ के थ्रू ट्रेवल करते हैं और हाई वोल्टेज जो वायर्स होती हैं उनको वो कोशिश करते हैं चलने की, बट उसकी वजह से उनके पेट में और जो लिम्स है वो जल जाता है और उसकी वजह से उनके अंदर जो बच्चा होता है बेबी उसकी डेथ हो जाती है। राइट, तो इसीलिए बोला गया कि किलर वायरस है। यहाँ पर एक डिस्कशन किया गया कि मानस नेशनल पार्क के बारे में, ये अराउंड 500 स्केयर किलोमीटर के आसपास जो है वो गोल्डन लंगूर के आसपास है, तो इनके हैबिटेट्स को भी सिक्योर करना पड़ेगा। इनकी पॉपुलेशन अभी ठीक है, बट ये एंडेंजर्ड से क्रिटिकली एंडेंजर्ड में चले गए तो हमारे लिए हम एक स्पीशीज को खो सकते हैं, तो ज़रूरी है कि चीज़ों को जल्द से जल्द देखा जाए और जहाँ पर हाई वोल्टेज वायर्स है उनको या तो शिफ्ट किया जाए या इनके लोकेशन, इनके हैबिटेट को सिक्योर किया जाए। इसके बारे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरह की स्पीशीज जब भी आए और इस प्रकार के जो नेशनल पार्क है जो भी आए वो आप ज़रूर नीचे देखा करिए अपनी एटलस के अंदर, अपने मैप के अंदर, क्योंकि UPSC का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, मैपिंग हो चाहे नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, स्पीसीज हो, इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने। अब हम एक आर्टिकल देखेंगे जो कि है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई ऑन चाइना लिखा है स्ट्रिक्टर कर्ब्स ऑन लो ग्रेड इम्पोर्ट्स। हमने पिछले कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि गवर्नमेंट एक प्लान बना रही किस चीज़ का, कि जो ऐसे आइटम जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, पुअर है, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा और जो सब स्टैंडर्ड आइटम है यानी जिनकी क्वालिटी ही बहुत ज़्यादा ख़राब है उनको या तो इम्पोर्ट रोका जाएगा या उन पर बहुत ज़्यादा हैवी टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, टैरिफ का मतलब क्या होता है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा उन लोकल जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको सेव करने के लिए ये एक टैक्स है। ठीक है, डायरेक्टली इसको समझ लीजिए, अपने कंट्री के जो प्रोड्यूसर उनको सेव करने के लिए एक टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्रपोज करा है कि लगभग 300 ऐसे आइटम हैं जिनमें ड्यूटीज़ को बढ़ा देना चाहिए, एक सजेशन दी है। इसके अलावा जो एक डजन से अधिक आइटम्स हैं उनको एग्जामिन किया गया है और बजट में उन पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, केमिकल, रबड़ एंड पेपर, ये सारे भी इंक्लूड होंगे। नॉन टैरिफ में बात करेगी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ऐसे स्टैंडर्ड डेवलप करने के बारे में बात करी गई है, खासकर 4500 प्रोडक्ट ऐसे होंगे। ये गवर्नमेंट ने बोला था, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने, कि हम जल्द से जल्द जो है एक स्टैंडर्ड लॉन्च करेंगे, जहां पर भी पुअर क्वालिटी के आइटम्स हैं उनको हम लोग अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ 370 ऑफ देम विद इम्पोर्ट्स ऑफ $128 बिलियन। ठीक है, लगभग 128 बिलियन डॉलर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं इस प्रकार के आइटम। इसके अलावा चाइना जो है वो
गवर्नमेंट ने कहा कि मू जो वो चाइना स्पेसिफिक है नहीं है, बट बीजिंग जो है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा सप्लायर है। यानी गवर्नमेंट डायरेक्टली ये नहीं कह रही कि हम चाइना को अटैक कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम सब स्टैंडर्ड आइटम्स को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो इम्पोज किया गया है वो सब स्टैंडर्ड पर है, लेकिन इसे चाइना जब सबसे ज़्यादा जो है वो हिट होगा। गवर्नमेंट ने वही सेम चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन की गई है, ऐसी नॉन इसेंशियल आइटम्स जिसके अंदर केमिकल से लेकर फार्मा सेक्टर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी से लेकर फर्नीचर, टॉयज, स्टील, इन सब जैसे सब स्टैंडर्ड आइटम को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंडर लाने के तहत ड्यूटीज को बढ़ाया जाएगा, टैरिफ बढ़ाई जाएगी ताकि सब स्टैंडर्ड को रोका जा सके। हमने देखा इंडिया एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि हम लोग इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको जो है वो मेंटेन करने के लिए इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। 47 बिलियन डॉलर का ये डिफरेंस है। ट्रेड डेफिसिट के कई सारे इफेक्ट होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट पर इफेक्ट डालता है। इसके अलावा हमने देखा कि ट्रेड जो मोस्टली होता है फॉरेन करेंसी के अंदर होता है, और फॉरेन करेंसी हम लोगों को इन्वेस्ट करनी पड़ेगी इसके अंदर। इसके अलावा गवर्नमेंट जो कॉमर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने बोला है कि कस्टम ड्यूटी अप्रोक्सीमेटली 300 प्रोडक्ट्स पर, इसमें फुटवेयर, फर्नीचर, टीवी, केमिकल, टॉयज, ये बढ़ाया जाएगा इसमें। यहाँ पर वर्ड किया गया नॉन इसेंशियल, यानी जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो सकती है उन पर ये फोकस ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली जो है चाइना से कट ऑफ नहीं हो सकते, वो वाइज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम चाइना पर डिपेंडेबल हैं। जब तक हमारे अंदर अल्टरनेट सोर्स नहीं होगा, जब तक हम भारत में उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा, तो इंडिया को रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग ट्रेड करें, बट ट्रेड के अंदर ऐसी आइटम जिसका मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ड्यूटीज बढ़ाना, टैरिफ बढ़ाना उसका ही एक हिस्सा है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया बायोकोटिंग चाइना आइटम्स नॉट फिजिबल, एसएन सुब्रमण्यम जो है ये एलएनटी के एमडी एंड सीईओ है, इन्होंने जब देश में बायोकोट चाइना आइटम्स के बारे में यूज़ हो रहा है तो इन्होंने बताया कि बायोकेट चाइना फ़िलहाल फिजिबल नहीं है, फ़िलहाल प्रैक्टिकल नहीं है, हमें प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। रीज़न क्या है, हमने अभी भी डिस्कशन किया था कि बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे रॉ मटेरियल के लिए हम लोग चाइना पर डिपेंडेबल हैं, और चाइना पर डिपेंडेबल होने की वजह से फ़िलहाल हमें चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, आइटम्स को प्रोड्यूस करें, और किसी भी कंट्री से डायरेक्टली बैन लगा देना ये WTO का भी वॉयलेशंस हैं। तो हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, हम लोग इम्पोर्ट कम कर सकते हैं, बट ब्लैंकेट बैन पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। दूसरी चीज़, हमने अभी एक ड्रग्स काफ़ी न्यूज़ में रही हमारी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसके अंदर जो API एक रॉ मटेरियल है जो यूज़ होता है वो हम लोग चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। अभी एक और ड्रग जो COVID-19 के लिए अप्रूव करेगी उसके अंदर भी API जो हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो API जो एक रॉ मटेरियल है इन ड्रग्स को बनाने के लिए, उसके लिए हम चाइना पर डिपेंडेबल हैं, तो हम लोग कंप्लीट या ब्लैंकेट बैन लगा देंगे, ऐसा फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में फ़िलहाल इतना ही, एडिटोरियल का वीडियो सेपरेट आएगा, हम लोग उसमें डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल, जय हिंद।